दोस्तों, शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि वे हनुमान भक्तों को परेशान नहीं करते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। लेकिन कभी आपने विचार किया है कि आखिर क्यों शनिदेव हनुमान भक्तों को परेशान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं? दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया हुआ है कि वे उनके भक्तों को कभी परेशान नहीं करेंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। दोस्तों, एक बार शनिदेव को अपनी शक्ति पर अपार घमंड हो गया था। शनिदेव को लगने लगा था कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। दोस्तों, उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। शनिदेव इसी मद में चूर होकर ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पर हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की साधना में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हनुमान जी को देख शनिदेव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि हे वानर, देख कौन सामने आया है। हनुमान जी ने शनिदेव पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति में लीन रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो शनिदेव का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा, हे वानर, आंखें खोल, मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति को नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव का यह विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर हनुमान जी ने बहुत ही सहज भाव से पूछा कि महाराज, आप कौन हैं? इस बात को सुनकर शनिदेव को और क्रोध आ गया। शनिदेव हनुमान जी से बोले, अभी इसी समय मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। इस बार भी हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि आप कहीं और जाएं और उन्हें अपने प्रभु का स्मरण करने दें, विघ्न न डालें। शनिदेव को हनुमान जी की बात कतई पसंद नहीं आई और हनुमान जी ध्यान लगाने जा रहे थे। तभी शनिदेव ने हनुमान जी की भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। तब हनुमान जी को लगा कि जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ाया। इसके बाद शनिदेव ने विकराल रूप धारण कर लिया और उनकी दूसरी बाह को पकड़ने की कोशिश की, तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। शनिदेव का अहंकार और क्रोध तब भी कम नहीं हुआ। शनिदेव हनुमान जी से बोले, तुम तो क्या तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस पर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और पूंछ में लपेट कर शनिदेव को पहाड़ों पर वृक्षों पर खूब उठा उठा कर पटका और रगड़ा। इससे शनिदेव की हालत खराब हो गई। तब दोस्तों शनिदेव ने देवताओं से मदद मांगी और रक्षा करने के लिए कहा, लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। अंत में शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और बोले, दया करे वानर राज, मुझे अपनी गलती का फल मिल गया, मुझे क्षमा करें, भविष्य में मैं आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। तब हनुमान जी बोले, मेरी छाया ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन देना होगा। शनिदेव ने हनुमान जी को ऐसा ही वचन दिया। इसीलिए शनिदेव हनुमान भक्तों को परेशान नहीं करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।